नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। क्या है ना, बहुत अच्छे की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती इस कोरोना काल में। जब हमारी गवर्नमेंट ही अधरझूल में चल रही है तो आम जनता की तो कहे ही क्या। गवर्नमेंट को खुद का पता नहीं आज है कल रहेगी या नहीं। तो हमारी आने वाली एग्ज़ाम्स का तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन वो क्या है ना कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो काफ़ी लंबे समय से ही आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ये जो है समय है कि हम अपनी इस प्रिपरेशन में इस समय को दें, और जैसे ही एग्ज़ाम आ जाती है तो अपना सिलेक्शन जो है निश्चित कर लें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में जो है राजस्थान के भौतिक विभाग हमारे चल रहे थे, जो चार भागों में राजस्थान को बांटा गया है, भौतिक विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी जो है थार का रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण का पठार हाड़ौती का। जो पश्चिम का थार मरुस्थल है उसका विस्तार से अध्ययन हमने कर लिया था। आज अपना जो इसका दूसरा उपविभाग है अरावली पर्वतमाला, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, जो अरावली पर्वतमाला है, एक बार इसको फिर से हम राजस्थान के मानचित्र में देख लेते हैं। ये अपना राजस्थान, राजस्थान के लगभग मध्य में अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है। दिशा आपको पता है ना किस तरीके से देखते हैं, ये उत्तर, ये पूरा, सॉरी, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरा, ये पश्चिम। तो ये किस तरीके से राजस्थान में इस तरीके से फैली हुई है। तो ये हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ राजस्थान के लगभग लगभग मध्य से गुजरती है। 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर की वर्षा रेखा के सहारे सहारे अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ है थार का रेगिस्तान, जबकि पूर्व की तरफ है मैदानी भाग। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का देखते हैं सबसे पहले निर्माण कब हुआ। अगर आपको पूछा जाए अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस महाकल्प में हुआ, तो आप कहेंगे कि अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है वो एजोइक महाकल्प में हुआ। और एजोइक महाकल्प के किस काल में, तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का निर्माण आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। महाकल्प पूछा जाए, एजोइक महाकल्प अगर पूछा जाए किस काल में या किस कल्प में, ठीक है, तब आप कहोगे प्री कैम्ब्रियन काल में। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद में ये कहा जाए कि ये किसका भाग है, तो ये है गोंडवाना लैंड का। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था जो अपना है, जो स्थल आज हमें दिखाई देता है इस पृथ्वी का जो धरातल, वो पूर्व में ऐसा नहीं था। स्थल भाग जो आज हमें महाद्वीप दिखाई देते हैं ना दूर दूर, वो इस तरीके से नहीं थे। वो पूरा एक स्थल खंड था जिसको हम कहते थे पेंजिया। स्थलखंड पूरा, यानी ये सारे महाद्वीप एक जगह थे जिसको पेंजिया कहते थे। इस स्थलखंड के चारों तरफ अतः है जलराशि जिसको नाम दिया पेंथा लासा। ठीक है, पूरा स्थलखंड बीच में, और सारे जो ये महासागर हैं वो इस स्थलखंड के चारों तरफ थे, तो पेंजिया और पेंथा लासा। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे
ये जो पेंजिया है वो दो टुकड़ों में टूटता चला गया। उत्तरी भाग को हमने भाग दिया, नाम दिया अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले भाग को हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। दो टुकड़ों में टूटा, बीच में ये जो पानी आ गया, स्थलखंड है, दो टुकड़ों में टूटेगा तो पानी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उसको हमने नाम दिया टेथिस। और जो हमारा थार का रेगिस्तान है, माना गया है कि थार का रेगिस्तान इसी टेथिस जो है सागर का अवशेष है, तो अरावली पर्वतमाला इस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं गर्भगृह की, या इस अरावली पर्वतमाला का पिता। देखिए, अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं अरब सागर को, यानी ये जो अरावली पर्वतमाला हम राजस्थान में जिसकी बात कर रहे हैं ना, गुजरात के पालनपुर से जो दिल्ली तक जाता है, ये हमें स्थल पर दिखता है, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि गुजरात से जो है दिल्ली तक है, लेकिन वाकई में इसकी जो जड़ है ना, वो है अरब सागर में, और वो अरब सागर में डूबी हुई है। आज हमें दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई देती है गुजरात के पालनपुर से, इसके दक्षिण की दिखाई नहीं देती। तो अगर ये बात कहे कि ये कहाँ से फैली हुई है, तब तो हम गुजरात के पालनपुर का नाम लेंगे, क्योंकि वहीं से ये धरातल के ऊपर जो है दिखाई देती है। लेकिन वाकई में इसकी जड़ें, इसका गर्भगृह कहाँ है, वो है अरब सागर, ठीक है? तो गर्भगृह या अरावली पर्वतमाला का पिता किसे कहेंगे? अरब सागर को। क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान के जो संपूर्ण क्षेत्रफल के 9% हिस्से के ऊपर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान की 9% ही लगभग जनसंख्या यहाँ निवास करती है। सबसे कम कहाँ निवास करती है? रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान की जो है दशाएं जो है विपरीत होती है, इसलिए वहाँ का जनघनत्व अत्यधिक कम है। सर्वाधिक कहाँ है? इस मैदानी भाग का, और मैदानी में भी कहाँ का? राजस्थान में, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 550 जो है व्यक्ति निवास करते हैं, क्योंकि मैदानी जो भाग होता है वो अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है मनुष्य के निवास के लिए। समतल धरातल, पानी की उपलब्धता जो है, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी वगैरह, और आवागमन के साधन भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहाँ सड़क व रेल मार्गों का जाल भी आसानी से बिछाया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ अरावली पर्वतमाला की मिट्टी कैसी है? लाल भूरी अरावली पर्वतमाला की मिट्टी है। अगर मैं बात करूँ कि इस अरावली पर्वतमाला की जो मिट्टी है, उसका वैज्ञानिक नाम हम देते हैं इंसेप्टिसोल। जो ये वैज्ञानिक नाम है, एक अलग वीडियो के अंदर पूरे राजस्थान की जो है मिट्टियों को हम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है वैज्ञानिक मिट्टियों का भी अध्ययन हम करेंगे, ठीक है? अरावली पर्वतमाला के नाम से ये जाना जाता है। कुछ अन्य नाम भी है जो इस अरावली पर्वतमाला को दिए गए हैं। एक इसका नाम है आडावाला पर्वत, ठीक है? अगर कहीं लिखा जाए कि आडावाला की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है आडावाला की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली पर्वतमाला नहीं है। बूंदी के अंदर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसको बोलते हैं आडावाला की पहाड़ियाँ, जबकि आडावाला पर्वत पूछा जाए तब आप कहोगे अरावली पर्वतमाला। इसको मेरु नाम भी दिया गया है, इसको सुमेरु नाम भी दिया गया है, इसको परिपत्र नाम भी दिया गया है, इसको अर्बुदा नाम भी दिया गया है, यानी अनेक ये नामों से जाना जाता है। अगली बात करें तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है, या तभी तो हम इसको कैसी पर्वतमाला बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट किसको बोलते हैं? देखो,
कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई पर्वत है, कुछ भी है, तो यानी उसका जो कुछ ही भाग बच जाता है, थोड़ा ही भाग आपको नजर आता है, तो अब हम उसको कहते हैं अवशिष्ट है, यानी कुछ बचा हुआ। तो इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला काफी प्राचीन होने की वजह से ये जो है पर्यावरणीय कारकों के द्वारा जो है इसकी ऊंचाई कम हो गई है, कट फट गई है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला बोलते हैं। पहले जो है इसकी ऊंचाई अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी ऊंचाई अब कम हो गई है। देखो कोई भी भूखंड होता है तो क्या होता है, हो सकता है कि पहले वहाँ खाइयाँ हो, धीरे धीरे वहाँ अवसादीकरण होता है, या जो प्लेटों के टकराने से वहाँ वलन होता है उसके द्वारा धीरे 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 उस स्थान की ऊंचाई बढ़ती है। एक निश्चित जो है समय तक और निश्चित अवस्था तक उसकी ऊंचाई बढ़ती है, फिर वो क्या होती है, वापस उसकी ऊंचाई कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो डेविस और पेंक का अपरदन चक्र आपने पढ़ा होगा, तो आपको आसानी से ये समझ में आया होगा। कहते हैं ना अपनी भाषा के अंदर भी, कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी। वो हम कभी कभी किसी अपने आसपास के इंसान के लिए भी ऐसी बात करते हैं ना, बेटा ज़्यादा ऊपर मत जा, नीचे भी आएगा। वाकई में ये इंसान के साथ ही नहीं होता, ये मतलब प्रकृति है जो हर चीज़ का एक निश्चित क्रम होता है, चाहे धरातल, चाहे अपने भौतिक विभाग, पर्वत, पठार, मैदान, चाहे इंसानों की बात कर लो, कुछ भी वस्तु होती है वो एक पीक तक जाती है, पीक तक जाने के बाद वापस आ जाती है। देखिए जो आज भौतिक प्रदेश हमने देखे हैं ना चार, जो आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, पहले ये चारों ही आज से विपरीत स्थिति में थे। अरावली पर्वतमाला आज एकदम सूखा जो आपको दिखाई देता है, कहते हैं पहले वहाँ सरस्वती नदी थी और एकदम हरा भरा स्थान था। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत है, तो यानी पहले यहाँ कुछ खाइयाँ वगैरह थी। ये जो मैदानी भाग है, हमने कहा कि मैदान कैसे बनते हैं, खाइयों में क्या होता है कि जो पर्वतों से आने वाली जो है मिट्टियाँ उसको पाट देती है और मैदान का निर्माण होता है, यानी यहाँ भी पहले मैदान नहीं थे, पठारी भाग। हमने कहा कि जो देखा था कि अरावली पर्वतमाला है जो ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन के द्वारा इसका निर्माण हुआ, यानी इससे पूर्व ये भी कुछ और थी। तो जो दशाएं, जो स्थितियां आज हमें दिखाई देती है वो पहले वैसी नहीं थी। और ये भी उतना ही शाश्वत सत्य है कि जैसा आज है आगे भी वो वैसा नहीं रहेगा। ये चीज़ प्रकृति की हर वस्तु के ऊपर लागू होती है। अपने आसपास ही आप देख लीजिए, प्रकृति में जो चीज़ें 5 साल पहले आपको अपने आसपास दिखाई देती है, क्या वो प्रकृति आपके आसपास की वैसी ही थी? नहीं थी। क्या अगले 5 साल बाद भी वो स्थान आपके आसपास का वैसा ही होगा? नहीं होगा। आप अपने आप को देख लीजिए, 5 साल पहले आप ऐसे थे? नहीं थे। 5 साल बाद आप ऐसे होंगे? नहीं होंगे। प्रकृति का, जो प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है, निरंतर बदलाव। तो इसलिए अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वतमाला हम कहते हैं, क्योंकि अब ये कम बची, और आने वाले समय में ऐसे भी आएगा कि ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, लेकिन तब तक हम नहीं रहेंगे देखने के लिए, आगे हमारी आने वाली पीढ़ियां ही वो देखेगी। तो ये अरावली है जो प्राचीनतम पर्वतमाला है, कैसी है? वलित पर्वतमाला। देखिए क्या होता है, वलित का मतलब क्या होता है, भूगर्भ में जो प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या है कि आपस में एक दूसरे की तरफ खिसकती रहती है या एक दूसरे से विपरीत खिसकती है। तीन प्रकार की जो है प्लेटों की गतियां होती है। तो हम तो सिर्फ यही देखेंगे भाई वलित पर्वतमाला कैसे बनती है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ खिसक रही है, तो क्या होगा, ये इधर आई, ये इधर आई, आपस में आएगी तो ये जो बीच का जो धरातल है, स्थल है, इसका क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा, उठेगा या नहीं उठेगा, ये धरातल इधर खिसकेगा, ये इधर खिसकेगा, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, और इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ये जो कार्यक्रम चलता है ना, ये बहुत ही धीमी गति से चलता है, हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है, कुछ एक सेकंड में नहीं होता ये कि भाई इधर आ गई, इधर आ गई, ये पर्वत बन गया। ऐसे चलता तो
प्रलय मच जाता है इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ये बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन ये होता है। और इस प्रकार से बने पर्वतों को कहते हैं वलित पर्वत। तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण भी इसी क्रिया के द्वारा हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो अपनी अरावली पर्वतमाला है ना, कितनी लंबी है। ये है जो कहाँ, पहले देखते हैं कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ये गुजरात के पालनपुर से जाती है दिल्ली तक। कितने राज्यों में ये फैली हुई है, तो राज्यों की बात करें तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, ऐसे करके 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इसका विस्तार है। गुजरात के पालनपुर से इसकी शुरुआत कहाँ होती है, गुजरात के पालनपुर से। जबकि हमने बात की थी इसके पिताजी तो कहाँ रह गए, इधर अरब सागर में, गर्भगृह वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये धरातल पर आपको दृष्टिगत कहाँ होते हैं, कहाँ से होती है, गुजरात के पालनपुर से। और राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से। ये राजस्थान के 7 जिलों से होती हुई खेतड़ी सिंघाना, उसके बाद ये हरियाणा में आपको नजर आएगी, और उसके बाद ये दिल्ली में जो JNU है वहाँ पर, जो रायल सीमा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक जो है आपको अरावली पर्वतमाला दिखाई देती है। और इन्हीं रायल सीमा की पहाड़ियों पर है जो अपना राष्ट्रपति भवन भी है। तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, शुरुआत होती है इसकी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में, दिल्ली के रायलसीमा तक। सिर्फ हम राजस्थान की बात करें इसकी लंबाई, तो वो खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक इसका विस्तार है। पूरा विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायलसीमा। राजस्थान की बात करें तो खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू। अब इसकी लंबाई की हम किलोमीटर में बात करते हैं, ठीक है। ये स्थानों की बात हुई, अब किलोमीटर की। अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई तो वो तो है 550 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर। अगर अरावली पर्वतमाला की पूरी लंबाई की हम बात करें गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, तब इसकी लंबाई आएगी 692 किलोमीटर, या लगभग कई बार हम इसको 700 किलोमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 692 किलोमीटर की लंबाई में ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के जो है रायल सीमा तक इसकी लंबाई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो है इसकी ऊंचाई कहाँ ज़्यादा है, तो देखिए अरावली पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई उत्तरी पूर्वी राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ती है, यानी उत्तर की तरफ इसकी लंबाई कम है। जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हैं अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई बढ़ रही है। चौड़ाई की बात करूं कि चौड़ाई किधर ज़्यादा है, तो वो भी सेम है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की इसकी जो है चौड़ाई बढ़ रही है। हाँ, ये बात अलग है, मध्य में ये सक्रिय है, उत्तर में इसकी चौड़ाई है, मध्य में ये वापस सक्रिय होती है, और दक्षिण पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है सर्वाधिक है। तो हम ये कहेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ रही है। और जो अरावली पर्वतमाला को जो बांटा है ना 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, इसको बांटने का आधार भी ऊंचाई है।
ऊंचाई के आधार पर ही है जो अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिमी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा लगभग लगभग इसके साथ साथ गुजरती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्या है? थार का रेगिस्तान। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है अरावली पर्वतमाला की। तो अब आप शायद बता सकते हो अगर पीछे का आप ध्यान से सुन रहे हो। तो हमने बात की अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, तो हमारा ये दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम में जो सिरोही जो जिला है, सिरोही जिले में जो है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक है। और अरावली पर्वतमाला में भी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है आपको याद हो तो, या इसकी सबसे ऊंची चोटी बता सकते हो? गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई के साथ, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के साथ। मैं ये पूछूं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। इसके अलावा अन्य भौतिक विभागों में इससे अधिक ऊंची चोटी कोई सी भी नहीं है। तो अरावली पर्वतमाला की भी यही रहेगी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर 1722 मीटर के साथ पहले नंबर पे रहेगी। मैं कहूँ कि इसकी न्यूनतम ऊंचाई कहाँ है जहाँ अरावली पर्वतमाला सबसे कम ऊंची है, तो वो स्थान है जयपुर। जयपुर में जो है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सबसे कम है। फिर मैं पूछूं अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो सर्वाधिक विस्तार बताइए आप उत्तर में बोलोगे या दक्षिण में? ध्यान से पढ़ रहे हो तो जरूर आप सही बोलोगे दक्षिण में। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई बढ़ रही है ना, उसके साथ ही यहाँ पर उदयपुर जिले के अंदर है जो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, उदयपुर जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार है। न्यूनतम विस्तार जो है अरावली पर्वतमाला का कहाँ है, अगर आप मानचित्र को ध्यान से समझ रहे हो तो मध्य अरावली में अजमेर जिले में है जो इसका विस्तार वो सबसे कम है, आपको नजर आ रहा होगा। तो सर्वाधिक न्यून विस्तार कहाँ है? मध्य अरावली में। अब हम बात करते हैं इसके आकार की, किस डिजाइन में जो है अपनी अरावली पर्वतमाला दिखाई देती है। तो मैं कहूँ कि आप इसको पूरी को देखोगे तो आपको ये नजर आएगी तानपुरे के समान। तानपुरा एक वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र के जैसे ही अरावली पर्वतमाला नजर आती है। देखिए, आप अरावली पर्वतमाला पे जाके खड़े होगे और देखोगे कि भाई ये तानपुरे के जैसे दिख रही है, तो वहां से आपको ये नहीं दिखेगा। ये जो सैटेलाइट वगैरह से जो तस्वीरें ली जाती है उससे ही दिखाई देगा, क्योंकि विस्तार अधिक है ना। तो तब तो इसकी आकृति होगी तानपुरे के समान। मैं कहूँ कि आप तो ये तो छोड़ो, आप सिर्फ ये बताओ कि उत्तरी अरावली पर्वतमाला है वो कैसी नजर आती है, तब हम कहेंगे कि इसकी आकृति है वो भेड़ पीठ नुमा है। ऐसे नजर आता है जैसे कोई भेड़ बैठी हुई है और उसकी पीठ आपको दिखाई दे रही है, भेड़ बैठी हुई है उसकी पीठ आपको नजर जिस तरीके से आती है ना, उत्तरी अरावली पर्वतमाला भी एकदम आपको वैसी ही दिखाई देती है। चलिए मैं कहूँ तो फिर बताइए दक्षिणी अरावली आपको कैसी नजर आ रही है। जो दक्षिणी अरावली है ना वो पंखानुमा दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि देखिए मध्य में से सक्रिय थी, जैसे ये दक्षिण की तरफ आती है ना फैल जाती है, अत्यधिक इसका विस्तार हो जाता है, इसलिए ऐसे लगता है जैसे कोई पंखा हो। तो पंखानुमा आकृति में है जो दक्षिणी अरावली आपको दिखाई देती है। तो
ये पूछा जाए अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी, कंफ्यूज नहीं होना है, अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी है, तानपुरे के समान। उत्तरी अरावली की आकृति कैसी है, भेड़ पीठ नुमा। दक्षिणी अरावली की आकृति कैसी है, पंखानुमा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये अरावली पर्वतमाला है इसका केंद्रीय भाग स्थित है। आप इस मानचित्र को देखिए और मुझे बताइए कि अब बताओगे तो कैसे, लाइव क्लास नहीं चल रही है। सोचिए कि अरावली पर्वतमाला की जो है का जो है केंद्रीय भाग कहाँ है। आप लगाओ दिमाग, मध्य अरावली अजमेर। बिल्कुल गलत। अगर मैं ये कहूँ ना कि अरावली का मध्य भाग कहाँ है तब ये बात बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला का मध्य भाग जो है अजमेर में है, बिल्कुल सही। लेकिन केंद्रीय भाग की हम बात करते हैं तो वो जगह इस हिस्से से हटके है और वो है सवाई माधोपुर। देखिए केंद्रीय भाग, अगर हम यहाँ एक सीधी रेखा खींचते हैं ना तो ये वाला स्थान आता है सवाई माधोपुर। तो अगर पूछा जाए अरावली पर्वतमाला का केंद्रीय भाग कहाँ है तब आपको बताना है सवाई माधोपुर। और अगर ऑप्शन में सवाई माधोपुर के साथ दूसरे कोई जिले भी हैं तो सवाई माधोपुर के साथ बूंदी आप टिक करोगे, वरना सवाई माधोपुर। अरावली पर्वतमाला का मध्य भाग अजमेर, अरावली पर्वतमाला का केंद्रीय भाग सवाई माधोपुर। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई 692 लगभग 700 किलोमीटर कह सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है हमने देख लिए। फिर इसके तीन भाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। देखिए मैं बार बार में कह रही हूँ कि ये जो है अरावली पर्वतमाला 7 जिलों में फैली हुई है, वो मुख्य रूप से या लगभग 7 जिलों में है। जैसे उत्तरी अरावली में अलवर, दौसा, जयपुर, मध्य अरावली में अजमेर और दक्षिणी अरावली में आबूखंड, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। आप कहोगे मैडम इसके अलावा भी हमने कुछ जगहों के नाम सुने हैं, कुछ जिलों के नाम सुने हैं। बिल्कुल सही सुने हैं। देखो अरावली के अंदर झुंझुनू भी है, झुंझुनू में भी इसकी कई चोटियाँ भी है। अगर मैं बात करूँ मध्य के अंदर तो पाली भी है, दक्षिण में भी कुछ जिले हैं जहाँ अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से 7 जिलों में है। ऐसे तो आपको कुछ ऐसे जिले भी मिल सकते हैं जिसके पश्चिम की तरफ जो है रेगिस्तानी भाग है, मध्य के अंदर अरावली पर्वतमाला है और दक्षिण का हिस्सा है वो जो है मैदानी भाग में भी आता है। ये प्राकृतिक सीमाएं हैं, जबकि जिलों का निर्धारण किसने किया, इंसानों ने। अब उसने प्राकृतिक सीमा के आधार पर जिलों का निर्धारण थोड़ी ना किया है। इस वजह से जो है ये जिलों के मामले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य ये जिले बोले हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों के अंदर भी जो है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। जैसे अपना सीकर झुंझुनू है, मान लीजिए सिखावटी एरिया, थार के रेगिस्तान का भी है विस्तार, अरावली पर्वतमाला भी है, जबकि इसको हम मैदानी भाग का हिस्सा भी कह सकते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आज के वीडियो में अपना इतना ही रहेगा। जो इसके अरावली पर्वतमाला के उपविभाग हैं जो तीन, इनका जो है विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर तीनों भागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। यहाँ कौन से दर्रे हैं जिनको नाल भी कहते हैं, कौन सी यहाँ पर चोटियाँ हैं, कौन से पठार हैं। आज अगर इन चीज़ों को भी शामिल करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो हमारे लिए थोड़ा उबाऊ बन जाएगा। तो हमें उबाऊ नहीं बनाना है, हमें एकदम आराम से शांति से इन चीज़ों को जो है याद करना है। सबसे बड़ी बात समझना है। अगर एक बार किसी भी टॉपिक को हम समझ लेते हैं
तो क्या होता है, उससे संबंधित कहीं भी हमें कोई भी फैक्ट मिलता है ना, तो वो जल्दी से हम लोग जो है उसको याद कर लेते हैं, लेकिन वाकई में वो समझ में ही नहीं आता। तो क्या होता है, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे की तरफ विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं, तो वो याद रखना, वो समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देखिए, इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए, मानचित्र से समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से आप इसको समझ जाओगे और इसके फैक्ट है वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको ये जिले याद है ना, मैं पूछूं मध्य अरावली जो कौन से जिले में है, तो मानचित्र आपके दिमाग में है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप अजमेर आराम से, आपके जो दिमाग में पिक्चर बनेगी और उसमें यहाँ मध्य अरावली अजमेर में आ जाएगी। अगर आपको मानचित्र याद नहीं है ना, तो आप कहोगे सीकर, नहीं, जयपुर हो सकता है, नहीं नागौर हो सकता है, पाली हो सकता है, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। इन चीज़ों को हम रट नहीं सकते, कितनी चीज़ों को रटोगे, इससे अच्छा है कि मानचित्र को आप ध्यान में रख लो, रटने वाला खेल खत्म हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।